उसी के ऊपर आज आपकी पोएम है तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और साथ में समझना भी वंस आई सॉ लिटिल बर्ड कम हॉप 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 आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप 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 वंस मैंने एक बार क्या देखा एक छोटी चिड़िया देखी हॉप स्टूडेंट हॉप एच ओ पी हॉप एक वर्ड होता है जो बेसिकली चिड़ियाओं के चलना जैसे फुदकना जिसे हम कहते हैं उसके लिए यूज होता है मूविंग अप एंड डाउन जिससे आपने देखा भी होगा छोटी छोटी चिड़िया या कोई भी चिड़िया हॉपिंग करती है चलती है उस वे में हॉप करते करते कम हॉप 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 और मैंने उसे फुदकते हुए आते हुए देखा आई क्राइड मैं चिल्लाया लिटिल बर्ड छोटी सी क्राइड मतलब होता है जोर से आवाज देना पीडेड इन द लाउड वॉइस विल यू स्ट क्या तुम रुकोगी आई वॉज गोइंग टू दिंडो और मैं खिड़की के पास जा ही रहा था टू से हाउ डू यू डू यहाँ पे देखिए विंडो होता है खिड़की जैसे एक ओपनिंग वॉल होती है सनलाइट और एयर आती है टू से मैंने उससे पूछने के लिए हाउ डू यू डू कि तुम तुम्हारा हाल चाल कैसा है तुम कैसी हो बट ही शुक हेज लिटिल टेल शुक मतलब होता है हिलाना एकदम से मूवमेंट करना उसने क्या करे तभी अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई टी ए आई एल टेल मतलब होता है पूंछ द द लॉन्ग बैक पार्ट ऑफ एनिमल एंड अवे ही और ये बोलते पूंछ हिलाते ही वो उड़ गई फ्लू मतलब होता है उड़ जाना सो दिस इज ऑल अबाउट द पोयम नाउ वी विल रीड अ लिटिल बट समरी समरी क्या है बच्चों इस पोयम की कि इन दिस पोयम अ बॉय सीज अ लिटिल बर्ड विच इज सिटिंग इन द विंडो ही कम्स नियर द बर्ड टू टॉक टू हिम वो आया बर्ड के पास उससे बातें करने के लिए बर्ड द बर्ड रेपिडली फ्लू अवे लेकिन बर्ड जो थी वो जल्दी से उड़ के चली गई वन क्वेश्चन फॉर यू स्टूडेंट वॉट डिड द चाइल्ड सी बच्चे ने क्या देखा राइट दी आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन एंड इफ यू अंडरस्टैंड दिस एक्सप्लेनेशन लाइक कॉमेंट शेयर एंड डोंट फॉर्गेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट